मेसोपोटामिया की लेखन कला और मिस्र की सभ्यता की लेखन कला, वो लेखन कला अलग अलग है। सिंधु सभ्यता के इंडस में इसी की जो लेखन कला है उसे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोलते हैं। मेसोपोटामिया जो है ठीक है, और मिस्र में जो है मिस्र के एजियोग्राफिक या हेजियोग्राफिक स्क्रिप्ट बोलते हैं ठीक है, और मेसोपोटामिया सिविल स्तर में क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट के प्रकार होते हैं जब आप और बेहतर तरीके से जानेंगे उसे जान जाएंगे। ये एक वास्तविकता में एक चित्रात्मक लिपि है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट या और भी लिपि है वो एक चित्रात्मक लिपि है। एक हमारी विडंबना है कि सिंधु सभ्यता की जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है उस पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा गया, लेकिन मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को और मिस्र की हेलीग्राफिक स्क्रिप्ट को पढ़ लिया गया। और ये पढ़कर जान लिया गया है कि मेसोपोटामिया मिस्र में यानी कि जिस समय ये सभ्यता है सिंधु सभ्यता के समानांतर जो चल रही है, तो वहां अकादी सारगन और लारसा काल में वो नगर आबाद रहे हैं। और अकादी सारगन लारसा काल वो वहां के इतिहास में 2700, 2600, 2800 आते हैं उसमें ठीक है, लगभग 100 साल 200 सालों का फर्क ये पड़ जाता है इसमें। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है। एक और भी आप ये जान जाएंगे कि आप ये कैसे साबित करेंगे कि सिंधु सभ्यता की कंटेम्पररी यानी कि समानांतर जो है मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता है। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण मैंने आपको बताया कि जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि कई नगर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चानोदर, लोथल, धानोविरा, वानावली, कालीबंगा या और भी कई साइट्स रहे हैं। ऐसे ही साइट्स आपको मेसोपोटामिया और मिस्र के भी साइट रहे हैं। जैसे अगर आप वहां पर देखेंगे तो वहां देखते हैं कि उर, गिस, लगास, सूसा, उम्मा, टेपे गबरा, टेपे यहाया, रास समरा, तेल असमर और भी कई से साइट रहे हैं ठीक है, जो साइट वहां के नगर रहे। तो सिंधु सभ्यता के नगर और वहां के नगर, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि उर, उर एक जगह यूआर उर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का एक साइट है, एक नगर है उर, वहां से एक लेख मिला। और क्योंकि मेसोपोटामिया के क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को पढ़ लिया गया है इसलिए उस लेख को पढ़ लिया गया और क्यूनिफॉर्म उर से जो हमें एक लेख मिला उस पर स्पष्ट तौर पर जिक्र किया गया है कि मिलुआ से चला हुआ। बहुत बेहतर तरीका से समझें इसे, मिलुआ, मिलुआ एक शब्द आया है मिलुआ, कि मिलुआ से चला हुआ जहाज जिस पर काली लकड़ी। बहुत बेहतर तरीका से समझें कि मिलुआ से उर से एक लेख मिला जिस लेख पर जिक्र किया गया है कि मिलुआ से चला हुआ जहाज जिस पर काली लकड़ी, कॉर्नेलियन पत्थर, लाजवर्थ का मनका, सोने चांदी के आभूषण, मगन, दिलमुन के रास्ते अगेट पहुंचती है। यानी सारे सामान के साथ मिलुआ से जो जहाज पहुंचता है वो मगन और दिलमुन के रास्ते अगेट पहुंचती है। अगेट जब ये जांचने का काम क्या हुआ कि मिलुआ कौन सा जगह है, मगन कौन सा जगह है, अगेट कौन सा जगह है, तो यह पता चला कि मिलुआ सिंधु सभ्यता के कोई नगर है, मगन मकरान है, दिलमुन बहरीन है और अगेट बेबीलोनिया की राजधानी बाबुल जगह है जो मेसोपोटामिया से मिला सकते हैं। तो अब एक चीज तो क्लियर होगा कि आपस में अगर व्यापारिक संबंध है तो व्यापारिक संबंध तभी हो सकते जबकि एक दूसरे सभ्यता के बीच में संपर्क रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप अमेरिका से आज अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आज जहाज चले और 500 सालों के बाद जहाज पहुंचा, ऐसा नहीं होता ठीक है। आज अमेरिका आबाद है, इंडिया आबाद है, चीन आबाद है, जहां से भी हमारा व्यापारिक संपर्क हो रहा है वो आज व्यापार चल रही है। और वहां के लेख में अगर भारतीय सामानों का जिक्र होता है, भारत का जिक्र होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही सभ्यताएं, दोनों ही नगर या दोनों ही देश है वो कंटेम्पररी है। ऐसे ही एक उर से लेख प्राप्त